जम्मू कश्मीर में आज 64वें दिन भी हालात तनावपूर्ण हैं। अनंतनाग जिले में प्रदर्शनकारियों ने फिर से पत्थरबाजी की, जिसके बाद भड़की हिंसा में सुरक्षा बलों की पैलेट गन से एक युवक की मौत हो गई, जबकि शोपियां जिले में आंसू गैस का गोला लगने से एक व्यक्ति की जान चली गई। इस मौत के साथ ही घाटी में मरने वालों की संख्या 78 हो गई है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को बुरहान वानी के मारे जाने के एक दिन बाद कश्मीर में उपद्रव शुरू हुआ है, जिसमें अब तक हजारों नागरिक और सुरक्षा कर्मी घायल हो चुके हैं। अलगाववादियों के आह्वान पर कश्मीर घाटी करीब 2 महीने से बंद है। वहीं सीएम महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा बहुआयामी है और इसके हल के लिए कई स्तरों पर लगातार गंभीर प्रयास की जरूरत है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस बहुआयामी चुनौतियों का हल रातों रात नहीं निकाल सकते। केंद्र और राज्य सरकार लगातार कश्मीर में अमन के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन घाटी में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। देखते रहिए डीबी लाइव।